लुधियाना के वार्ड नंबर 30 शांति नगर कॉलोनी के लोग नर्क भरी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। बताते कि वहां गलियों में 4 महीने से सीवरेज का पानी ब्लॉकेज होने के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि गलियों में पानी खड़ा हुआ है और इस दिन लोगों ने लुधियाना प्रशासन के खिलाफ रोष जताते हुए नारेबाजी की। वही इस संबंध में मौजूदा कौंसलर जसपाल सिंह गैसपुरा से बात की तो उन्होंने कहा कि कई बार नगर निगम कमिश्नर व नगर निगम मेयर को लिखित रूप में दिया गया है। वही कहा कि धरने भी लगाए गए हैं लेकिन किसी प्रकार का अमल नहीं किया जा रहा। इस दौरान उन्होंने लोकल बॉडी मिनिस्टर नवजोत सिद्धू को लुधियाना शहर की तरफ ध्यान देने की बात कही है। देखो जी, शांति नगर दे विच गंदा पानी आ रहा, सीवरेज का पानी लोगों के घर बढ़िया हुआ, अखीरले 5 महीने हो गए। मैं बार बार बेनती की आ कमिश्नर साहब को भी, असी धरना भी लाया एक दिन जाके कमिश्नर साहब के मूहरे भी साढ़े उत्थे पानी गंदा आ रहा, गरीब बच्चे बीमारियों नाल बीमार हो रहे ने, लोगों के पैर जो जाते हैं बीमारियां लगियां, देखो हॉस्पिटल दे विच बच्चे भर्ती ने जी के हस्पताल च। पर 27/4 की मेरी चिट्ठी का जवाब आया सी नगर निगम के अधिकारियों वालों कि 15 दिन के विच विच तुहाडी समस्या हल हो जूगी। 8वां महीना आने आ गया, गंदा पानी लोगों के घरे बढ़िया और कारपोरेशन के अधिकारी कह रहे ने कितने गंदा पानी नहीं आता। आ लोग बैठे ने जिहड़े इत्थे लगर दे बैठे ने, साढ़े सारिया लेडीज औरतां आईयां ने मैनू मिलन, मैनू समझ नहीं आता नगर निगम के जिथे सर नवजोत सिंह सिद्धू बड़िया बड़िया गल्लां मारदे ने इत्थे आके नगर निगम का हाल देखण आपदे डिपार्टमेंट का। 15 दिन तो मशीनां खड़ियां ने सीवरेज दियां साफ कर ली पर उन्हां च तेल पाउण लई मैनूं कोई पैसा नहीं और मशीनां सानूं दित्तियां होईयां ने, करोड़ां रुपए की बर्बादी कर रहे ने यह कारपोरेशन की जगह की और मशीनां खड़ियां ने तेल है नहीं, एक दिन भी इन्हां दी मशीन 15 दिन तो नहीं चली। मैं बार बार बेनती की मेयर साहब नूं भी, बार बार बेनती की SC नूं, XCO नूं, SDO नूं, JEE नूं, पर इन्हां दे कन्नां ते कदे जू नहीं सरकी। मैं बेनती करदा पंजाब सरकार कोल कि सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जी जागो, लोकल बॉडीज नगर निगम का जिन्ना बुरा हाल, जिन्ना बेड़ा गर्क इस समय है मैं कदे जिंदगी च नहीं देखिया। आके लोगों दी तकलीफां देखो, ठोको ताली ना काम नहीं चलना, लोग गंदा पानी पीण तो मजबूर ने, बच्चे बीमारियां ना मर रहे ने, हस्पतालों च दाखिल हो रहे ने, पर इन्हां दे कन्न ते जू नहीं सरकदी। असी कौंसलर धरना भी दे आए, कमिश्नर को भी जाया, मेयर साहब को भी 4 बार जाया, मशीनां लैके खड़ियां करतियां, चल नहीं रही 15 दिन तो, क्योंकि नगर निगम दे कोल तेल है नहीं। यहाँ दिक्कत है, पानी इतना गंदा आता है टूटियों में, सीवरेज की प्रॉब्लम है, रोड डेली पानी इधर उधर सारे जगह खड़ा रहता है, मीटर वो टूटे पड़े हुए हैं, मच्छर इतना है, हर चीज है। हम जाते हैं अपने दफ्तर में जाते हैं, दफ्तर वाले बोलते हैं काम तो हो जाएगा, बंदे भी भेजते हैं लेकिन काम होता ही नहीं है, है? सरकार को क्या है, जीत के बैठे हुए हैं, काम करेंगे सरकार तभी ना, कांग्रेस जब से आई अब और बुरा हाल है। पहले तो 2-3 साल हो गए तो बुरा ही बुरा हाल है और कुछ नहीं, पहले तो इतना अच्छा था पूछो ना, लेकिन अब जब से कांग्रेस की सरकार आई है थू थू हो रहा है, बस कहीं भी निकलो तो पानी, बच्चे दिखते हैं सारे हैं, किसी को चोट लगती है, एक लड़की गिर गई उसके कमर में चोट आ गई है, बच्चे हमारे कैसे नंगेंगे हैं, क्वेश्चन बोलता है कि काम हो जाएगा, हम कभी भी जाते हैं उनके पास वो बोलते हैं काम हो जाएगा, वो तो कहते हैं कि हमारे पास जो आप बोलिए जो हुकुम है हम सब कुछ करेंगे, लेकिन अगले के पास जब सुविधा होगी तब ना करेंगे। मांगे हमारी है कि सफाई करवाओ, सफाई करवावे, बाकी उसको क्या कहते हैं पानी सीवरेज में जो गंदा आता है सारा कुछ, मतलब कि सानू ये है कि पूरी सफाई चाहिए। जागती लड़के लिए लुधियाना से सुरेंद्र वड़ा की रिपोर्ट।